इयाक नाबुदु व इयाक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत? प्यारो, आज मैं आपको विज़िट करने वाला था, इनको मैं बाहर ले आया हूँ। ये जो मेरी वाइट हीरा खड़ी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से पांच जो है वाइट हीरा मादी में हैं और दो जो हैं वो नर में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्वाब मुकम्मल हो गया है, तो आगे से अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो अंडों में से कैसे कैसे बच्चे निकलता है। इस मादी के ना अभी इन बच्चों के बाद 12 अंडे और हो चुके हैं, और उन 12 अंडों पे मैंने एक मादी बिठा भी दी है परसों से। तो इनको गुस्सा बड़ा होता है, ये अब जा रही है दूसरी मुर्गी की तरफ। और रंग मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से जो है ऐसे बेहतरीन रखे हुए। हाँ जी, हाँ ठीक है। अच्छा, तुला सुझा। तो कलर जो हैं वो मेरे अल्लाह के हाथ में होते हैं, हमारा काम होता है इन पे इनको मिलाप कराना। ये एक आप ये देख लें, इनमें हमारा मिक्स हो गया था कुछ कुछ। मैं भी चाहता था जो ये है इस तरह का, ये जब बड़े हो जाते हैं, अगर इनकी ट्रीट की जाए, अच्छी तरह से फीड कराई जाए, तो इनमें ना कोई जो गोल्डन कलर आ जाता है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये आप देख रहे हैं, इनमें जो है गोल्डन माशाल्लाह बच्चे हैं। और ये देखिए ये कैसा इसका कलर है। अभी इनका मैंने नर मादी का खास पकड़ के ना कोई ध्यान नहीं किया, जैसे भी होंगे देखे जाएंगे। अभी तो इतने सारे पड़े हैं मेरे पास, 50 नहीं बल्कि 70-75 बच्चे हैं, तो फिर कितने जो है मैं देख सकता हूँ। तो और भी काम करने होते हैं, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ। और हीरा का एक बार फिर जो है इंतज़ार कर लें। इनमें अभी जो एक बिठाई है मैंने, वो बैठ गई है। टोटल उस पर मैंने 12 अंडे बिठाए हैं, तो 12 में जो है वो 12 के 12 ही वाइट हीरा के हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है उसको हमें अच्छा रिजल्ट अनाथ फरमाए और आपका शौक़ हमारा शौक़ पूरा होता है। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।